हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे छठे क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा का चौथा चैप्टर विद्यालय। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। एषा विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्रा शिक्षिका शिक्षिका च सन्ति, यहाँ छात्रा मतलब बच्चे, यहाँ बच्चे अध्यापक और अध्यापिकाएँ हैं। तो यह विद्यालय है, यहाँ बच्चे अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। एषा संरक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। संरक यंत्र मतलब कंप्यूटर, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संरक यंत्राणि सन्ति, ये कंप्यूटर हैं, ये सब या ये कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है मतलब बगीचा है। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम लोग वयम् माने हम सब या हम लोग, अत्र यहाँ क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं, च माने और। तो यहाँ तक क्या बताया गया, यह विद्यालय है, यहाँ बच्चे अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है, ये कंप्यूटर हैं, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है, बगीचे में फूल हैं, हम लोग यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। ऋचा तव नाम किम, ऋचा तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवा मम नाम प्रणवा, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तुम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवा अहम अत्र अहम पठामी, मैं यहीं पढ़ता हूँ। अत्र माने यहाँ, ऐब माने ही, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा अहम अपि अत्र पठामी, मैं भी यहाँ पढ़ती हूँ। इदानीम आभाम मित्रै स्वाहा, अब हम दोनों मित्र हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, ऋचा जो ऋचा है वो कहती है तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा मैं भी यहीं पढ़ती हूँ, अब हम दोनों मित्र हैं। फिर आगे कहा गया कि शिक्षिका छात्रा यूयम किम कुरत, शिक्षिका जो है वो पूछती हैं, शिक्षिका छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो। छात्रा आचार्य वयम गच्छामः, छात्राएं हे शिक्षिका हम सब गच्छामः माने जा रही हैं, हम सब गच्छामः जा रही हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत, शिक्षिका तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्रा वयम सभागारम गच्छामः, छात्राएं हम सब सभागार में जा रही हैं। सभागार मतलब जो मीटिंग हॉल होता है। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तो जो शिक्षिका हैं वो कहती हैं युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रा अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, छात्राएं हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया, जो शिक्षिका है वो कहती हैं छात्राओं तुम सब क्या कर रहे हो। छात्राएं हे शिक्षिका हम सब जा रही हैं, शिक्षिका तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्राएं हम सब सभागार में जा रही हैं। शिक्षिका तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं, छात्राएं हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। फिर आगे कहा गया कि शिक्षिका छात्रों युवाम किम कुरुतः, शिक्षक छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रों मतलब तुम दोनों छात्र, और छात्रों आचार्य आचार्य आवाम श्लोकम गायावा, दो जो छात्र हैं वो कहते हैं हे आचार्य हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षिका शोभनम किम युवाम श्लोकम ना लिखता, शिक्षक अच्छा क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रों दोनों छात्र, दो छात्र आवाम लिखावा पठावा गायावा चित्राणि अपि रच्यावा, दो छात्र हम दोनों लिखावा लिख रहे हैं, पठावा पढ़ रहे हैं, गायावा गा रहे हैं, चित्राणि अपि रच्यावा और चित्र भी बना रहे हैं। अपि माने भी। शिक्षिका बहु शोभनम, शिक्षक बहुत अच्छा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, शिक्षक छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो, दो छात्र हे आचार्य हम दोनों श्लोक गा रहे हैं, शिक्षक अच्छा क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो, दो छात्र हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं, शिक्षक बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है बच्चों वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।